MBA, Masters in Business Administration. This is one of the most important, popular and recognized degree in the world. So we will be talking about MBA in Canada. Is it worth studying MBA in Canada? Is it worth paying a lot of money for studying MBA in Canada? What are the salary packages you got? What all are the universities which are available for studying MBA here? And what is the fee structure? What all are the job requirements? What are the requirements for studying MBA here? So these are some of the major points which we will be discussing today. So let's start the video without wasting any time. Let's go, guys. हाँ तो गाइज अब हम बात करते हैं द वेरी फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सारे बच्चे सुनना चाहते हैं, सारे बच्चे इस बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द सैलरी पैकेज यू गेट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीए इन कनाडा। भाई सीधी सी बात, इफ कंपेयर टू यूएसए तो यहाँ की सैलरी पैकेज थोड़े से कम है डेफिनेटली। और सैलरी पैकेज तीन चीज़ों पे आपके डिपेंड करते हैं, आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है आपके पास जॉब्स में, और लेवल ऑफ नॉलेज कितनी है आपकी, और लेवल ऑफ टैलेंट आपके अंदर कितना है। लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि है आपने पास्ट में कितनी जगह जॉब्स करी हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस है, ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है आपके रिज्यूमे में और सीवी में। दूसरी चीज़ होगी आपकी लेवल ऑफ नॉलेज कि अगर चार बंदे इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप अपने आप को अलग कैसे दिखा रहे हो वहाँ पर। दिस इज द मेन टर्म्स। अब अगर हम बात करें कि एवरेज सैलरी पैकेज कितना मिल जाता है कनाडा में एमबीए करने के बाद, सो इट वेरीज फ्रॉम $60,000 टू $1,00,000 पैकेज। ये 60,000 आपकी मिनिमम है और मैक्सिमम 80, 90 और 1,00,000 तक की वेरी करती है आपकी सैलरी। तो ये डिपेंड आपकी सीधी इन चीज़ों पे ही करती है कि आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ नॉलेज और लेवल ऑफ टैलेंट आपका कितना है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। ऐसा नहीं है कि आपने एमबीए की डिग्री कर ली और आपको इतनी चीज इतने पैसे आपको ऑफर हो ही जाएंगे। भाई आपको कुछ आना भी चाहिए तभी वो सब कुछ ऑफर होगा। सो ये बात हो गई हमारी सबसे पहले टॉपिक की। Now moving further and talking about the jobs after studying MBA. कितनी जॉब्स अवेलेबिलिटी है आपकी कनाडा में, तो भाई सीधी सी बात है MBA में आता है बिजनेस, बिजनेस में आता है आपका फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है पैसा। तो भाई जहाँ पे पैसा है वहाँ पे आपके लिए जॉब है। तो अब आप खुद ही सोच लो कि पैसा कहाँ पर नहीं है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपके लिए जॉब भरमा रहे हैं यहाँ पर। और सारी यूनिवर्सिटीज़ के 80 से 90% रिक्रूटमेंट रेट है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई है सबकी इतनी हाई लेवल रिक्रूटमेंट रेट है। और टोरंटो खुद ही एक फाइनेंस हब है यहाँ पे कनाडा का, जो सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबिलिटी देता है और सबसे ज़्यादा पीपल रिक्रूट करता है। तो भाई आप खुद ही सोच लो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बट कट टू कट इफ़ कंपेयर टू यूएसए जॉब मार्केट थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा लो है, और सैलरी पैकेज भी ज़्यादा लो है इफ़ कंपेयर टू यूएसए। नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द 5 to 6 टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज कनाडा। सबसे पहली आपकी आती है रॉटमैन यूनिवर्सिटीज विच इज़ इन टोरंटो, सेकंड आपकी आती है मैकगिल यूनिवर्सिटी, थर्ड आपकी आती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क दैट मीन्स यॉर्क यूनिवर्सिटी, देन आपका क्वीन स्मिथ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल एंड द लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। दीज ऑल आर द टॉप 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं आपका MBA करने के लिए। इनका एम्प्लॉयमेंट रेट 80 to 90% जाता है। तो सोचो कितनी टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ होंगी ये कनाडा की। अब वहीं पे अगर हम इनके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर इनका वेरी करता है $60,000 टू $1,00,000। नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पेपर आपको देने पड़ेंगे इनमें एंट्री लेने के लिए। तो भाई कुछ पेपर्स तो ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के खुद के पेपर होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपका IELTS, TOEFL और PTE हो गया, ये तीनों पेपर एक जैसे होते हैं, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी एंड योर कंट्री के कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा पेपर आपसे डिमांड करती है। टॉकिंग अबाउट द IELTS, तो IELTS में आपको चाहिए होते हैं 7 बैंड से लेके आपके 7.5 बैंड, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी। देन इफ टॉकिंग अबाउट द TOEFL स्कोर, तो TOEFL स्कोर आपके 80 से लेकर 100 तक चाहिए होता है। GRE, GMAT भी थोड़े अच्छे स्कोर चाहिए होते हैं आपको, और बाकी जो यूनिवर्सिटी के खुद के पेपर होते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो खुद को आपको देने पड़ेंगे उसका
सबका अपना अपना चलता है. नाउ मूविंग फर्दर एंड टॉकिंग अबाउट द पीआर एंड वर्क परमिट अपॉर्चुनिटीज, अगर हम पीआर की बात करें तो भाई पीआर सीधा से सीधा आपका 99% चांसेस ज्यादा है इफ कंपेयर टू अदर मास्टर्स कोर्सेज एंड इफ कंपेयर टू अदर बैचलर्स कोर्सेज. क्योंकि मास्टर्स एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी रिकग्नाइज डिग्री है. बस आपको 1 से 1.5 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद, फिर आपके आसानी से आपके पीआर पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं. तो पीआर में कोई दिक्कत नहीं है, पीआर आपको आसानी से मिल जाता है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है. एंड इफ कंपेयर टू वर्क परमिट, तो हर 2 साल के कोर्स पे आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है. अगर आपका 1 साल का एमबीए है तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा. इफ यू आर डूइंग योर 2 ईयर्स एमबीए देन यू विल बी गेटिंग योर 3 ईयर्स वर्क परमिट. इसका मतलब ये होता है कि आप 3 साल तक कंट्री में स्टे कर सकते हो विदाउट टेकिंग पीआर, उसके बाद आपको पीआर लेना पड़ता है.